आकाश क्यों मुझसे दूरियां बनाए हुए हैं? मेरा परिचय तो इस घर में बहू का ही है। प्रिया भी मुझे भाभी ही कहती है। इस रिश्ते से तो मैं आकाश की पर क्यों आकाश मुझसे इस तरह का बर्ताव करने लगे हैं? क्या मुझे तकलीफ पहुंचाकर उन्हें सुख मिलता है? क्या कोई और वजह है मुझसे कतराने की? कितना हुआ? ये लो। सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी। आपने मुझे यहाँ काम करने का मौका जो दिया। क्या कहती है आप? थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए आपको, क्योंकि ग्रेट डॉक्टर शशिकांत शर्मा के बेटी के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मैं पापा की वजह से ही तो यहाँ आई हूँ सर। मैं जानता हूँ सर, मैं कब से काम पर आ सकती हूँ? आज से, बल्कि अभी से। थैंक्स डॉक्टर। आपके पिताजी को आज भी यहाँ के लोग बहुत याद करते हैं। आप आपके शहर छोड़ के करियर के लिए, सिर्फ करियर के लिए ये छोटा सा शहर चुन लिए, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। हमारे ये प्रोफेशन में सबसे बड़ी बात है सेवा। अब डॉक्टर लोग मानते ही कहाँ हैं, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। ओके सर, मैं कल सुबह 9 बजे हाजिर हो जाऊंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट सर, बाय। बाय। अरे अरे भागो मत। अरे बेटे गिर जाओगी, गिर जाओगी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये आपका अस्पताल है? क्यों, तुम अंदर नहीं आओगी? नहीं। अंदर तो तुम्हें आना पड़ेगा। मैं बीमार हूँ क्या? लेकिन बेटे बीमारों को देखने उनका इलाज कर। मैं डॉक्टर थोड़े आऊँ। तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा। बताओ तुम डॉक्टर बनोगे ना? हाँ। शाबाश बेटे, मेरे बाद इस हॉस्पिटल को तुम ही चलाना है। यहाँ पे कितने ही लोग बिना दवाई बीमार लोग यू नो दम तोड़ देते हैं, इसलिए उनके लिए एक अच्छा सा डॉक्टर चाहिए। बताओ बड़े होकर तुम इस अस्पताल में डॉक्टर बन के आओगे ना? कट तो चले अंदर। शाबाश, आ जाओ। पता नहीं प्रिया कहाँ चली गई। जब तक आंखों पे पट्टी थी मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो वो मेरा हाथ बटा सकती। तू भी जल्दी जल्दी हाथ चला, फिर हमें बाजार जाना है। कल पता है ना क्या है? नहीं। क्या पागल लड़की, कल करवा चौथ है, बड़ा ही शुभ दिन होता है, और तेरा तो पहला करवा चौथ है। पूरे नियम से पालन करना होगा, समझी? क्या 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 करना होगा? क्या तेरे घर में कभी किसी ने करवा चौथ का व्रत नहीं किया? मेरा घर, मुझे तो पता ही नहीं।
करवा चौथ का मतलब है अपने पति की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करना। कल सुबह से कुछ में था ना, पानी तक नहीं पीना, जब तक चांद नजर ना आए कुछ मत खाना। और सुन, जब तक तुम्हारा पति यानी आकाश तुम्हें अपने हाथों से ना खिलाए कुछ मत खाना, समझी? बुआ जी, अगर आप आकाश को बता दे तो। हाँ हाँ, मैं आकाश को भी बता दूंगी। अब तो अपना हाथ जल्दी जल्दी चला, मैं किचन में जाकर आती हूँ। मेरी जान को खतरा है, दिनेश और उसके आदमी मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे धमकी देके गए हैं जान से मारने की। रमन्ना चाचा, आप रमन्ना चाचा, आप जाइए यहां से। क्यों? जब से आप यहां आई हैं हम लोग बर्बाद हो गए हैं। ये क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ? रोज यहां पे गुंडे आते हैं, दो तीन दिन से रमन्ना घर पे भी नहीं आया। क्या कहता था? उसकी जान को खतरा है, शायद वो लोग उसे उठा कर ले गए। कौन लोग हैं वो? पता नहीं, पर रमन्ना कहता था वो आपके ही रिश्तेदार है। आप जाइए यहां से, आप जाइए। अरे प्रिया तो यहां पर बैठी है, नीचे जाकर देख क्या नाटक चल रहा है। अब क्या हो गया भैया नीचे? अरे चश्मा तो पहने रख, डॉक्टर ने कहा कि तेरी आंखों के लिए धूप और धूल बहुत खराब है। हाँ तो ठीक है ना भैया, मैं कहाँ बाहर जा रही हूँ, अंदर ही बैठी हूँ। वो छोड़ो, नीचे क्या हो गया? नाटक नूपुर, वो लड़की जो भी है उसको करवा चौथ की रस्में सिखा रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, हर पत्नी को अपने पति की मंगल कामना के लिए सब तो करना पड़ता है। अरे अपने पति के लिए रखे ना, मेरे लिए क्यों रख रही है? वहां तो बार बार मेरा नाम जाप रहे हैं। देखो भैया, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं और तुम चाहते हो कि ये राज राज ही रहे, तब तक उसे नूपुर और तुम्हें उसका पति बनकर तो रहना ही पड़ेगा। प्रिया, पति बन के रहने में और पति बनने में बहुत फर्क है। अगर मैं आज रात को यहाँ रह गया ना तो मैं सचमुच पति बन जाऊंगा। मैं चलता हूँ, तू सब संभाल ले मेरी प्यारी बहन। दीदी, रमन्ना चाचा को किसी ने किडनैप कर लिया है। तू वहां जाके फिर से उस पचड़े में पड़ गई। दीदी, मैं वहां यूं ही गई थी, लेकिन वहां जाकर पता चला कि हमारे किसी रिश्तेदार ने उन्हें किडनैप कर लिया है। हमारे रिश्तेदार? चौंकिए मत दीदी, हमारे रिश्तेदार और कौन, मामा जी ही होंगे। ओ, तभी मामा जी यहाँ तीन चार दिन से नजर नहीं आ रहे। श्रुति, मैं पता लगाती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। ओके, ठीक है दीदी। बहुत तकलीफ हो, कल से खाया भी नहीं कुछ, लेकिन मैं भी क्या करूं, तुमने कुछ बताया भी तो नहीं। और बताऊंगा भी नहीं। देख, अगर तुमने पहले बता दिया होता तो इस तरह तुझे उठाकर नहीं लाना पड़ता। तुझे ये पता भी नहीं तू कहां है, मैं बता। पता भी नहीं चलेगा। अच्छा पता, अगर तू जिंदा है तो डॉक्टर साहब कैसे मर गए, और वो लाश जिसकी शिनाख्त हमने की थी वो किसकी थी? उस दिन कह रहा था ना पुलिस की धमकी दे रहा था, कह रहा था पुलिस घर पे आएगी।
ऐसा नहीं बोलते बेटे। डॉक्टर साहब और वो लाश, दोनों की हत्या में तू फंस सकता है, जानता है तू? तू जिंदा क्यों है? तुझे मारने के लिए। जो खुद मरा हुआ है वो दूसरे को क्या मारेगा? तो बड़ा ही किस्मत वाला है, उस हादसे में नहीं मरा और आज भी नहीं मरेगा। मैं नहीं मारूंगा जब तक तू असलियत नहीं बता देगा। कभी नहीं बताऊंगा। तब तो बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। तेरे बीवी बच्चे हैं, दो बच्चे हैं ना तेरे, क्या नाम उनका? रामलू और दूसरे का राजू। राजू, रामलू और राजू, दोनों को यहां लाना पड़ेगा उठाकर। ठीक नहीं है ये। कोई बात नहीं, जब तेरी बताने की इच्छा होगी सुखदेव को बता देना, वो यहीं खड़ा है बाहर। जिंदगी में क्या कोई दूसरी औरत थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यकीन ही नहीं होता। और अगर इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करूंगी तो सिवाय पापा की बदनामी के और कुछ नहीं मिलेगा मुझे। उस औरत के बारे में सिर्फ रमन्ना चाचा जानते थे, अब वो भी पता नहीं जिंदा है या नहीं। क्या पापा की मौत की सच्चाई रहस्य बनकर रह जाएगी? लोग हादसा समझकर भूल जाएंगे उसे, और हत्यारा आजाद? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? पूजा की सारी तैयारियां हो गई, तो आकाश क्यों नहीं आया? नुपुर, तू जा जाकर देख आकाश अब तक क्यों नहीं आया। बुआ जी, वो तो अस्पताल गए हैं। अरे तू जाकर देख तो सही, जा। लेकिन नंदिता, उसके लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जानती हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि नुपुर चांद की पूजा करके अपना व्रत खोल ले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश को आने में थोड़ी देर क्या हो गई, सारे रीति रिवाज तोड़ देंगे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे भाई, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो बेचारी सुबह से भूखी, ऊपर से बीमार है, अगर उसे कुछ हो। कुछ नहीं होगा उसे, आज के दिन हर सुहागन थोड़ी तकलीफ सह लेती है। पता नहीं आकाश अब तक क्यों नहीं आया, उसे आ जाना चाहिए था। आज के दिन तो मर्दों के भाव ही बढ़ जाते। अरे भाई, हमारे तो घट रहे हैं हर रोज। मैं सिर्फ आज के दिन की बात कर रही हूँ। आप तो जानते हैं ना, उपवास रखने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। हाँ तो फिर रखती क्यों? बुआ जी, आप पूजा कर लीजिए, पता नहीं वो कब आएंगे। बस 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 बस, अब ये तुम पानी पियो। अब ये मीठा खाओ। ये
चलो अब नीचे चलते, सबसे पहले मुझे चाय पीनी है। हाँ भाई मुझे भी पीनी है। सुनो नुपुर, तुम आकाश का इंतजार करना जब तक वो ना आए। नंदिता क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि नूपुर ये व्रत अगले साल रख ले? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस साल तो व्रत रखना ही होगा, भले अगले साल न रखे, ये इसका पहला साल है। भाई देखो ये तो ज्यादती है इस बच्ची के साथ, अब आकाश पता नहीं कब आएगा। नूपुर तुम आकाश का इंतजार करना, चले। बेटा तुम भी आओ ना। जी मैं थोड़ी देर यही रुकती हूँ, आप जाइए। चलिए चलिए। इस वक्त घर जाने का मतलब होगा कि नहीं, नूपुर को और गलत फहमी में नहीं रखना चाहता, चाहे जो हो, पर मैं जानता हूं ये लड़की नूपुर नहीं है और मेरी पत्नी भी नहीं है। सुबह का इंतजार करना ही होगा।